बंगाल से बिलोंग करती हूँ, कैरेक्टर भी थोड़ा मिला जुला ही है, कैरेक्टर बोल है और नेगेटिव पॉजिटिव बोथ साइड। बैकग्राउंड क्या है, पहला प्रोजेक्ट डिफिजन में आपकी या नो? इससे पहले भी मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ, जैसे कि वेब सीरीज, शॉर्ट मूवीज एंड एंड फीचर फिल्म भी कर चुकी हूँ। अभी मेरा वेब सीरीज चल रहा है, बाकी तो ये अक्टूबर तक रिलीज हो ही जाएगा। टू एक्साइटेड एक्चुअली, हमने बहुत एफर्ट दिए हैं इसमें एंड मेरी कैरेक्टर तो दो शेड्स हैं इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ एंड आई एम टू एक्साइटेड। तैयारी कुछ नहीं सर, जिस तरह से बोलते हम वैसे ही करते, उस कैरेक्टर में डूब जाते, एफर्ट दे रहे हैं हम लोग। दीदी ये जो फिल्म का सब्जेक्ट है, कोलकाता में एक रेप केस हुआ था, उसके बेस पे क्या कहना चाहेंगे, जो एनवायरमेंट है लड़कियों के लिए आमतौर पर या ऐसे भी इंडस्ट्री में भी काफ़ी इंसिटमेंट था, आपको क्या अनुभव हुआ अभी तक और क्या कहना चाहेंगे? तो इंडस्ट्री रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन आजकल की जो घटनाएँ हो रही है, हमारा मेन उद्देश्य है जो खराब कर्म करते हैं तो इसी जन्म में या फिर अगली जन्म में इसका रिजल्ट उसको मिल भी जाता है। तो कहानी थोड़ा अलग ही किस्म की है, आपको अच्छा लगेंगे, आप लोग चलवाएंगे देखेंगे, वेरिएशन है। कभी भी कपड़े मायने नहीं करते, हमारी सोच मायने करती है कि हमारी सोच किस पर आधारित है, कैसी हमारी सोच है, और ये सारी वारदातें हमारी सोच पे ही मैटर करती है, कपड़ों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। वही चीज़ है, आप खुद देखिए कि 6 साल की बच्ची क्या किस तरह के कपड़े पहनती है, यहाँ हमारे ये बिल्कुल ये टोटली हमारी सोच पे मैटर करता है कि हमारी सोच कितनी घटिया है। हमारी मूवी तो उस टाइम की थी जब लोग कपड़े पहनते तब भी रेप होते थे, तो इट्स अबाउट इंडियन माइंडसेट।